चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ डे लाइफ। कहने मिस क्या है, इम्पोर्टेंस का एवरीडे लाइफ में, पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको हमें जानने के लिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहला बोलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। कहने की मीन्स क्या, प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों जो है पीएच सेंसिटिव होता है, पीएच के कारण इसमें ग्रोथिंग और अनग्रोथिंग होती है। मीन्स यदि हम लोग को देखते हैं, यदि पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, हम लोग कहते हैं कि यदि किसी भी स्पेस का वाटर का पीएच वैल्यू यदि कितना हो जाए 5.6 हो जाए, या बोल सकते हैं इफ द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, देन दिस रेन वाटर इज नोन एज एसिड रेन, देन दिस रेन वाटर इज नोन एज एसिड रेन होता है। अब बोलेंगे व्हेन दिस रेन एसिड फ्लोज इनटू द रिवर, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड किल्स मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, देयरफॉर द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तुम लोग कह सकते हैं क्या, दिस रेन वाटर मीन्स यदि रेन वाटर है, यदि कोई रेन वाटर है यदि इस रेन वाटर का पीएच वैल्यू जो है लेस देन हो जाए 5.6 से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब जब इस यह एसिड रेन flows into the river, it lowers the pH value of the river water and kills most of the aquatic life। aquatic life में आप जानते भी हैं क्या होता है, कि ऐसा प्लांट्स या ऐसा एनिमल्स जो सर्वाइव करता है किसमें, लिक्विड पार्टिकल्स में, लिक्विड में सर्वाइव करता है या वाटर में सर्वाइव करता है, उसी में लोग क्या होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होता है। तो जब एसिड रेन जो है रिवर में जाती है तो वहां उपस्थित जितना भी जीव जंतु होता है, पेड़ पौधा होता है, एक्वेटिक लाइफ होता है, वो सब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता है। हम लोग बोलते हैं देयरफॉर द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव।
तो सर्वाइव करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो यह कह सकते हैं यदि पीएच वैल्यू क्या हो, पीएच वैल्यू क्या हो किसका, रेन वाटर का, यदि रेन वाटर का पीएच वैल्यू हो जाए 7 हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ या प्लांट्स, तो प्लांट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेटर टू सर्वाइव, बेटर टू सर्वाइव। लेकिन यदि पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू यदि रेन वाटर का हो जाए कितना, ग्रेटर देन 7, और क्या हो जाए पीएच वैल्यू रेन वाटर का हो जाए कितना, ग्रेट लेस देन 7, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो बोल सकते हैं हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट सर्वाइव टू बेटर, वो बेटर सर्वाइव हम लोग का नहीं कर पाता है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, पीएच इन आवर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इसका इंपोर्टेंस है वो देखते हैं। देखिए हम लोग जानते भी हैं क्या, याद कीजिए, हम लोग जानते हैं हमारे स्टोमेक में क्या होता है, हमारे स्टोमेक में रहता है क्या, एससीएल एसिड होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमेक, बिना स्टोमेक को हार्म किए हुए और डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, एससीएल एसी। हम लोग लिखते एज वी नो हम लोग जानते हैं आवर स्टोमेक प्रोड्यूसेस एससीएल एसिड, प्रोड्यूसेस एससीएल एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग आवर स्टोमेक, बिना स्टोमेक को हार्म किए हुए वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है फूड को। ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टोमेक प्रोड्यूस मोर एसिड, कभी कभी होता है क्या है, हाउ एवर कभी कभी ड्यू टू ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग के कारण क्या, द स्टोमेक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, एट दिस कॉजेज आवर स्टोमेक, कॉजेज पेन एंड इरिटेशन एंड फीलिंग ऑफ बर्निंग वो क्या, बर्न फीलिंग, दिस स्टेज इज कॉल्ड एसिडिटी, यही स्टेज क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, जब ये एसिडिटी बीमारी हो गया तो ये हम लोग चाहते हैं क्या है, सही हो, तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीन्स आराम पाने के लिए क्या करते हैं, बेस का उपयोग करते हैं। यदि एसिडिटी को, एसिडिटी से राहत होना होता है, हम लोग कोई बेस लेते हैं, बेस के रूप में लेते हैं जनरली क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, क्या होते हैं
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्या है, बेसिक सब्सटेंस है जिसे लेने के बाद एसिडिटी जो है वो क्या समाप्त हो जाता है। यह कस्ट दैट टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टेबलेट्स नॉन एज एंटा एसिडी। हम बोल सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी टेक टेबलेट्स एज एंटा एसिड्स। इसको एंटा एसिड कहते हैं। अब एंटा एसिड किसका बना होता है, this antacid is formed by the MgOH whole is known as मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तीसरा देते हैं क्या है, पीएच काउजेज एज द काउज ऑफ टूथ डीके। टीथ डीके देखिए यूज करता है। द पीएच इन आवर माउथ इज नॉर्मली मोर देन 7 बिकॉज सालिवा प्रोड्यूस इन द माउथ इन बेसिक इन नेचर। तो देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग को माउथ में जो कहता है पीएच वैल्यू होता है माउथ का जनरली 7 से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक माउथ में सालिवा होता है, सालिवा, उस सालिवा क्या करता है, बेस प्रोड्यूस करता है कहां पे, माउथ में। तो यह कह सकते हैं दी पीएच इन आवर माउथ इज नॉर्मली मोर देन सेवन बिकॉज सालिवा प्रोड्यूस्ड इन द माउथ इज बेसिक इन नेचर। मतलब क्या है, सालिवा प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस को, वो क्या था, बेसिक नेचर का होता है। जब हम लोग वी टेक फूड, जब हम लोग फूड लेते हैं और वो फूड जो है यदि कुछ पार्टिकल जो है हमारे माउथ में रह जाता है, यदि कोई फूड लेते हैं और वो फूड क्या है पूर्णतः मुंह धोने के बाद वाश करने के बाद पूर्णतः वो नहीं निकल पाता है, कुछ रह जाता है, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड। तो वो जो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय होता है इन द माउथ में, वो प्रोड्यूस करता है क्या, एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्यों, बाय द डिग्रेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। मीन्स कहने की मीन्स क्या हुआ, यदि फूड पार्टिकल्स आप खाते हैं वो खाने के क्रम में जब वाश करते हैं माउथ को, यदि वो अच्छे से वाश नहीं हो पाती है तो कुछ पार्टिकल्स क्या है, फूड मटेरियल कुछ क्या है माउथ में रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। वही क्या है, डिस्ट्रॉय के कारण एसिड को प्रोड्यूस करता है और टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। वही एसिड यदि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए या 5.5 हो जाए तो टूथ डीके होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहां बोलते हैं व्हेन वी टेक फूड, जब हम लोग फूड लेते हैं, सम फूड पार्टिकल्स
सम फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद क्या है, कुछ रह जाता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस्ड एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो टूथ डीके कब होगा, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग का क्या होता है, पीएच वैल्यू जो है 5.5 से कम होता है। हम लोग जानते भी हैं टूथ का जो इनामल होता है किससे बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, वो क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन आवर बॉडी का, इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल टू कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर में नहीं होता है और इस प्रकार क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। चौथा देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब सेल्फ डिफेंस कैसे करता है एनिमल्स और प्लांट्स। हम लोग जानते हैं क्या है बी, और क्या होता है याद कीजिए, एंट रेड एंट। ये जब काटता है, कट टू द मैन, जब ये काटता है कहां पे, स्टिंग में किसी मानव को काटता है, तो काटने के बाद क्या होता है उस जगह पे क्या होता है, धीरे धीरे मतलब क्या है, एक अलग ढंग का विशेला होता है, मीन्स लहरता है, देखिएगा मीन्स आप कह सकते हैं क्या, वो जलन सा अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बी और रेड एंड कंटेन फॉर्मिक एसिड इन हिज स्टिंग। स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है। जब वो स्टंग से काटता है तो क्या करता है, इंजेक्ट करता है एसिड इनटू द स्किन विच कॉजेज पेन एंड स्टेशन व्हेन बी एंड रेड एंट कट टू द मैन
इट इंजेक्ट्स एन एसिड इनटू द स्किन व्हिच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो यदि ये पेन दर्द करता है या इरिटेशन होता है, यदि हम लोग चाहते हैं क्या गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन, तो माइल्ड बेस लैकिंग बेकिंग सोडा इज यूज। तो यहां बोलते देयरफॉर टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बेकिंग सोडा इज यूज्ड बिकॉज बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। तुम लोग जानते भी हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो यही रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है। तो जैसे आप बेस लीजिएगा वो क्या होता है, एसिड जो है बेस से रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन करता है और वाटर का प्रोड्यूस करता है। यदि आप देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या, तीसरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसी में, नेटल इज ए विल्ड हार्ड बैक कॉम्स द प्लांट होता है, एक प्लांट्स होता है, नोट देखिएगा, एक प्लांट्स होता है नेटल, ये क्या होता है विल्ड हारकोन्स होता है, इसको बोलते हैं विल्ड हर्बेसियस प्लांट होता है जो कहां पाया जाता है, फाउंड इन जंगल में ये पाया जाता है, इसी बोलते हैं लोग क्या फॉरेस्ट है। इट लीव्स हैव स्टिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल व्हेन एक्सीडेंट टच, व्हेन वी टच दिस प्लांट जब इस प्लांट को आप टच कीजिएगा, द लीव्स हैव स्टिंग इट इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड स्टिंग विच इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन Due to this reason, pain and irritation start, जिसके कारण pain और irritation क्या होता है, start हो जाता है। यदि चाहते इसको relief होने के लिए, to relieve, यदि आप चाहते हैं रिलीफ फॉर दिस, इससे आप चाहते हैं रिलीफ होने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, नीटल लीफ स्टिंग इज टू रब द स्टंग एरिया, जहां पे छुए उसको एक रब करना है with the leaf of dock plant। तो डनली क्या था, देखिए मिथानोइक एसिड होता है ना, मिथानोइक देखिए एसिड का, देखिए मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला देखिए होता है क्या है,
HCOH, ये क्या होता है, मिथानोल की सीरीज, इसी बोलते हैं लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और डॉग प्लांट जो होता है ये होता है कैसा, बेस होता है। जब डॉग बेस से आप क्या कीजिए, एसिड को रब कीजिएगा, वो धीरे धीरे क्या होता है, साल्ट में क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, साल्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं डॉग प्लांट्स कंटेन बेसिक केमिकल, डॉग प्लांट कंटेन बेसिक केमिकल विच न्यूट्रलाइज द नीटल प्लांट्स लीव एंड हेंस गिव रिलीफ, जिसके क्या क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। यही था पीएच, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।